हाय कितना सुंदर शहर है। मैडम जी, चंडीगढ़ पहली बार आए हो क्या? अरे हाँ जी पहली बार आई हूँ और आज फिर से भी मिलूंगी। मैडम, एक बात बताऊं, यहाँ पे आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते, थोड़ा होशियारी से रहिएगा। भाई साहब तुसी मैंने हुन जान दे नहीं हो, अपने पिंड की सबसे होशियार बच्ची हूँ मैं, तो मेरे पिंड भी होशियार पूरी हैगा। अच्छा जी, बस पाजी इत्थे रोको, मेरा स्टेशन आ गया यहीं पे। हाँ जी थैंक यू पाजी। इट्स ओके मैम। सत श्री अकाल मासी। सत श्री अकाल बेटा। आ गया मेरा बच्चा। हाँ जी मासी। अबे और पुत्र कैसा रहा सफर? एकदम अच्छा मासी जी, पूरे रास्ते शहर का सपना देखते देखते आई हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं रास्ते में? नहीं मासी, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। चला तेरे को तेरा कमरा दिखा दूँ। जब तक यहाँ रहना चाहती है तब तक तू आराम से यहाँ रह, ये तेरा ही घर है, इसे अपना घर समझ के रहना। चला तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ। ओके मासी थैंक यू। चलो रहने का इंतजाम तो हो गया, अब जब तक हॉस्टल नहीं मिल जाता, एडमिशन नहीं हो जाती, तब तक यहीं पे रह लूंगी। पर राजवीर से कैसे बात की जाए, उसको तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मासी से फोन मांगती हूँ। मासी जी। हाँ जी बेटा। मैंने ना थोड़ा फोन चाहिए था सीखा। राजवीर ने बात करनी है? देखो नाम लेते कैसे लाल हो जाती है। जा जा कर ले बात। जी बेटा। बच्चे भी आजकल ना। हेलो 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 राजवीर, मैं पूजा बोल रही हूँ होशियारपुर वाली। वो तुमने अपना नंबर दिया था ना एनुअल फंक्शन में मुझे, और कहा था कि शहर में मिलेंगे। तुम पूरे एक साल बाद कॉल कर रही हो, इतना टाइम क्यों लगा दिया? हाँ वो मेरे पास फोन नहीं था ना, अभी मैं शहर आई हूँ, यहाँ मासी ने मुझे फोन दिया तो उनके फोन से फोन कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों बाबा नया फोन ला के देंगे। अरे वाह तुम शहर आ गई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, कभी टाइम लगे तो मिलते हैं। अब इसको क्या बताएं कि हम तो शहर आए हैं इसके लिए। हाँ हाँ मिलते हैं ना कल। कल क्यों नहीं मिल सकते? जब तक मेरी एडमिशन नहीं हो जाती मैं फ्री हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉलेज से शाम को ही फ्री होता हूँ, कॉलेज के बाद मिल सकते हैं। ठीक है मुझे बता देना कहाँ आना है, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है बाय। अरे पूजा तुम कैसी हो? मैं भी एकदम। हाँ अभी तक नहीं बदली, वही गांव वाली झल्ली। पर तुम तो ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। हैंडसम। हाँ हाँ वही हैंडसम। बैठ कर बात करें। हाँ आ जाओ आ जाओ। और बताओ क्या चल रहा है? बस कॉलेज में एडमिशन के लिए आई हूँ, कुछ दिनों में कट ऑफ लिस्ट निकल जाएगी और बस उसी के लिए आई हूँ।
और तुम्हारे लिए क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या दिखाओ। देसी घी का डब्बा। देसी घी? मेरे पेट में मेरी भैंस है ना रज्जो, उसने एक महीने पहले बछड़ा दिया है, उसकी बात करते ही मुझे उसकी याद आने लग जाती है। सीरियसली तुमने ये सब बातें करने के लिए मुझे बुलाया आप? अपनी अपनी पिंड की और अपनी गाय की, अपनी गाय भैंस की बातें? नहीं नहीं सॉरी, वो मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो बस उसकी बात हो गई तो मुझे बस याद आ गई। तुम बताओ ना अपने बारे में, तुम्हारा कैसा चल रहा है? गर्लफ्रेंड बना ली क्या? अभी नहीं। बोल दूँ क्या? नहीं नहीं रहने देती हूँ, ऐसा करती हूँ बोल देती हूँ। राजू मैं तुम्हें पसंद है, तुम मुझे प्यार करते हो। नहीं 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 सॉरी सॉरी, मैं तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ शहर। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बोल रही हो? कभी खुद को आईने के सामने देखा तुमने? कैसी लगती हो तुम और कैसे बोलती हो तुम? ये देखो ना, कोई ड्रेसिंग सेंस है और ना ही कोई सेंस ऑफ स्टाइलिंग। तुम्हें ऐसा लग भी कैसे सकता कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ? मैंने स्कूल के उस फंक्शन में तुम बाकियों से ज़्यादा अच्छी लगती थी। तुमसे कैजुअली बात कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ। एक काम करो, अपने पिंड ना वापस जाओ, यहाँ पर टाइम मत वेस्ट। वैसे भी शहर में तुम जैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पिंड में ही ठीक हो। तुमने उस दिन पिंड के फंक्शन में जो मुझसे कहा था, क्या वो सब कुछ झूठ था? क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती? कितनी बार क्लियर करनी पड़ेगी मुझे बात, हा? कितनी बार? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ना ही मेरे को टेक्स्ट करो ना ही कोई मैसेज, गवार कहीं की। अरे क्या हुआ बेटा, आप बैठ इधर, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? राजवीर से मिली थी, कुछ बताया कि बेटा मुझे? क्यों रो रही है मेरा बच्चा? मासी आज जिससे मिली वो वाला राजवीर था ही नहीं जिसको मैं पसंद करती थी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता मासी, उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या मासी? ना मेरा बच्चा, तू तो बहुत अच्छा है। वो बेवकूफ है जिसको तुम्हारी अच्छाई नहीं दिखाई देती, तेरे जैसा अच्छा कौन हो सकता है? नहीं मासी, उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ शहर में रहने लायक नहीं हूँ, मुझे वापस अपने पिंड चले जाना चाहिए। शायद वो ठीक ही बोल रहा था मासी, मैं शहर के लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं आता ये फैशन, ये स्टाइलिंग, मैं यहाँ के लोगों की तरह नहीं हूँ मासी, मैं पिंड वापस चली जाऊंगी, ये शहर मेरे लिए नहीं है। वो होता कौन है तुझे ये सब कहने वाला? और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि तू मेरी बात नहीं सुन रही है? तेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, इतनी अच्छी है तू पढ़ाई में, कॉम्पिटिशन में देखना तू टॉप करेगी, और जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी तो देखना एक साल में तू कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अच्छा हुआ तुझे उसके बारे में पहले ही पता चल गया, नहीं तो बाद में जाके बहुत हर्ट होती मेरे बेटे। आप ठीक बोल रहे हो मासी, मुझे आपने जो भी कहा ना, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं शहर राजवीर के लिए ज़रूर आई थी, पर अब मैं यहाँ अपने लिए रहूँगी, और देखना मैं कितनी ग्रोथ करूँगी। उस राजवीर की तो मैं उसका नंबर अभी ब्लॉक कर देती हूँ, तो मम्मी मासी फोन। शाबाश बेटा, ये सबसे अच्छा काम करेगी तू। चल अब थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर चलते हैं बाजार, गोलगप्पे खा के आएंगे, पसंद है ना तुझे? मासी वो मैं सोच रही थी कि मुझे ना कुछ नए कपड़े भी लेने, आप
मेरी मदद कर दोगी ना? जरूर बेटा, देखना मैं तुझे कैसे पूजा से पूँछ बनाती हूँ। ऐसा समझ, तेरी जर्नी आज से शुरू है, ठीक है? सच में मासी? हाँ बेटा। ठीक है मासी, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ जी बेटा। वो शाम को मेरी फ्रेशर्स पार्टी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। आप मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे क्या पहनना चाहिए? मैं तुझे रिया की अलमीरा में से कुछ दिखाती हूँ। नहीं नहीं मासी, रहने दो, रिया दीदी नाराज हो जाएंगे, उनको पता लगेगा कि बिना मुझे। बेटा कनाडा में रहती है, साल में एक बार आती है। मैं निकाल के देती हूँ तुझे ड्रेस। आई थिंक ये ट्राई कर, बहुत सुंदर लगेगी तेरे ऊपर। अच्छी लग रही है ना? हाँ ये तो बहुत अच्छी है मासी। और देखना पार्टी में सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। मासी आई प्रॉमिस मासी, मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दूंगी, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि मेरा ध्यान फैशन की तरफ जा रहा है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा। अच्छा मासी मैं चलती हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया, 2 घंटे बचे हैं। जा जल्दी से तैयार जाओ। अच्छा सुन बेटा, तैयार होके रिक्शा से नहीं जाना, कैब कर लेना, नहीं तो सारा मेकअप और बाल उड़ जाएंगे। कैब के पैसे मैं दे दूंगी, चिंता मत कर। आप बहुत प्यारे हो मासी, मैं कैब से चली जाऊंगी। थैंक यू बेटा। हेलो नेहा, कहाँ है तू? मैं पार्किंग में वेट कर रही हूँ। मैं भी बस पहुँचने वाली हूँ, तू तब तक मेरा वेट कर लेना, साथ में वेन्यू चलेंगे यार, अकेले मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। अच्छा ठीक, मैं यहीं वेट कर रही हूँ, तू आ जा, पर जल्दी करना। ओके बस 10-15 मिनट में पहुँच रही हूँ। अच्छा ठीक है। भाई सही तो लग रहा हूँ ना मैं, सेक्सी। चल पार्टी स्टार्ट होने में तो अभी टाइम है, कोई नहीं आराम से चलेंगे। देख भाई मैं सिर्फ तेरे इंसिस्ट करने पे आया हूँ, लेकिन यहाँ की पार्टी और माहौल पूरा एंजॉय करके जाऊंगा। भाई क्या सही लड़की है। कहाँ? फर्स्ट ईयर की लग रही है, मेरे बैच की तो नहीं है और ना ही सेकंड ईयर की। रुक इंट्रोडक्शन लेके आता हूँ। रुक जा भाई, तू हमारे कॉलेज का थोड़ी ना है। तो क्या हुआ, तेरे कॉलेज की तो है। हे गॉर्जियस, सब पार्टी में इकट्ठा हो गए, तुम किसकी वेट कर रहे हो? पूजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकती? यही क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एज फार एज आई रिमेम्बर तुम इस कॉलेज में तो नहीं पढ़ते। एक्चुअली माई फ्रेंड इज वन ऑफ योर सीनियर हियर, और मुझे लगा कि तुम अपने गाँव चले गई हो। But look at you, commendable, what a transformation. Hey, पूजा कहाँ जा रही? Look, मुझे लगता है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मैंने जो भी कहा, और प्लीज़ तुम भी उसे भूल जाओ। I'm sorry, मुझे लगता है मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, but also I'm ready to mend my mistake. क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ने लायक हो गई हूँ, सो कॉल्ड प्रेजेंटेबल हो गई हूँ, इसलिए यू नो व्हाट, अब तुम में वो बात नहीं रही जो मुझे मेरे होने वाले पार्टनर में चाहिए, सो आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। प्लीज एक्सक्यूज मी नाउ।